டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12வது வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். हेलो फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़। सो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किस इक्वेशन की, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बोथ साइड्स हम एक्स से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स। तो ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म की। सो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयर फॉर पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। सो ई की पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। सो इसको ले सकते हैं ई की पावर माइनस ऑफ लॉग एक्स। सो अब हमें पता है सिंस ए लॉग बी, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बी की पावर ए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर लॉग एक्स इनवर्स आ जाएगा, और ई की पावर लॉग तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इनवर्स, और एक्स इनवर्स को ले सकते हैं वन अपॉन एक्स। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन बाई एक्स। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।